आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों पालक बथुआ का साग, जिसको हम अच्छे तरह से धो लेंगे, धो के काट लेंगे महीन महीन करके, इस तरह से बारीक काट लेंगे। कुकर गर्म हो गया है, अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून तेल डाल रही हूँ, रिफाइन ऑयल, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची 3, आप अपने अनुसार ले सकते हैं, बारीक कटा हुआ 3 प्याज। अब इसको सुनहरा होने तक भून लेंगे। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी, टमाटर डाल के इसे चला लेंगे। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, अपने अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार। अब इसे मिला लेंगे। इसे भून लेंगे। अब इसमें हल्का सा पानी डाल लेंगे, 1 कप। 1 कप पानी डाल के ये गल जाएगा। अब मैं इसमें साग डालूंगी। सभी साग को डाल दिए हैं, अब मैं इसे चला लूंगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गलने लगा है साग। अब इसमें मैं सब्जी मसाला डाल रही हूँ। सब्जी मसाला डाल के चला लेंगे। अब इसे कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे, 5 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। गैस निकल गया है, अब मैं इसे खोल लूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से साग बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। पसंद आए तो